फ्रेंड्स आज हम आइसक्रीम बना रहे हैं, ये बिस्किट से बना रहे हैं, बहुत ही कम समय में ये आइसक्रीम बन जाती है। ये आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने 3 पैकेट बिस्किट के लिए हैं, हमने 20-20 बिस्किट लिए हैं। आप इसकी जगह कोई से भी बिस्किट ले सकते हैं जो आपके घर में हो, उनसे बना लेंगे। अब हम बिस्किट निकाल के एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। हम सभी बिस्कुट के टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। हमने सभी बिस्किट को पीस लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें मलाई भी डाल सकते हैं, अगर आपके घर में मलाई हो तो आप मलाई डाल सकते हैं मिल्क पाउडर की जगह। अब इसमें आधा कटोरी हम दूध डाल देंगे। ये बहुत ही कम समय में आइसक्रीम बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। मैंने 1 चम्मच इसमें चीनी डाली है। आप मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा मीठा पसंद हो तो ज़्यादा डाल ले। अब 1 चम्मच हम कोको पाउडर के डाल देंगे ताकि आइसक्रीम हमारी एकदम चॉकलेट की जैसे बनेगी। हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमारा मिक्सर तैयार है जमाने के लिए। अब आप चाहे तो आइसक्रीम मोड ले सकते हैं। मैंने छोटी छोटी डब्बियाँ ली हैं, हम इसमें जमा लेंगे। आप किसी में भी जमा सकते हैं, कोई गिलास में भी जमा सकते हैं ये। अब जमाने के लिए हम सभी में डाल देंगे। हम बिना गैस जलाए ही ये आइसक्रीम बनाकर खाएंगे और बच्चों के लिए बनाएंगे, बच्चों को बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपके पास चॉकलेट बिस्किट हो तो आप चॉकलेट बिस्किट से बना सकते हैं, उसमें आप कोको पाउडर नहीं डालेंगे, ऐसे बना लेंगे। हमने सभी डिब्बियों में डाल दिया इसको। अब ऊपर से हम इसकी गार्निश कर देते हैं, थोड़े थोड़े हमने इस पे काजू डाल देंगे। आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इसको बना सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो आप वैसे ही बना ले। आपके बच्चों को जैसे अच्छा लगता है आप वैसे बना कर दे सकते हैं बच्चों को। बच्चों को आइसक्रीम बहुत ही पसंद होती है, तो हम घर पर बहुत ही आसानी से बना कर दे सकते हैं उनको। अब मैंने सिल्वर पेपर लिया है, इसको कवर कर देंगे। सबके ऊपर हम कवर कर देंगे और रबर डाल देंगे ताकि निकलेगा नहीं। अगर आपके पास सिल्वर पेपर नहीं हो तो आप पॉलीथीन से भी कवर कर सकते हैं। ये आइसक्रीम आप एक बार ज़रूर बना कर देखें, बहुत ही टेस्टी लगेगी बच्चों को। अब हम इनमें स्टिक लगा देंगे। अब हम जमाने के लिए इनको पूरी रात के लिए फ्रीजर में रख देंगे। हमारी आइसक्रीम जमकर तैयार हो गई है। अब हम नॉर्मल पानी में इनको थोड़ी देर के रख देंगे और फिर निकाल लेंगे। हमने आइसक्रीम को पानी में से निकाल लिए, हमारी आइसक्रीम खाने के लिए तैयार है। आप इस रेसिपी से ज़रूर आइसक्रीम बनाइए।